हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितनी तरीके के इन्वेस्टमेंट होती हैं, ठीक है? तो आइए, चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कितने तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो पहला है हमारा, लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा होता है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है? कि आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हो? फाइनेंशियल इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब पैसे के टर्म्स में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। दूसरा होता है आप रियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कि आप क्या कर रहे हो कि आप रियली में कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें आपका प्रॉफिट है। फिर है ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट, आप क्या कर रहे हो, ग्रॉस में या नेट में इन्वेस्ट कर रहे हो। फिर है इंस्पायर्ड या ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, आप किसी से इंस्पायर होके, किसी से इन्फ्लुएंस होके आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, या आप खुद से इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? फिर होता है प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, कि आप प्लानिंग करके, आपकी प्लानिंग थी कि आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, या आप नॉन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि आपकी कोई भी प्लानिंग नहीं थी बट आपने क्या कर दिया, ऐसे ही बस इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है? तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ प्लानिंग। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।